अगर हमेशा के लिए आई हो तो तुम रुक सकती हो, वरना वापस चली जाओ अभी और इसी वक्त। वही इसकी मम्मी के ड्रामे, आप जानती तो हैं, उन्हें अब हमारी शादी कबूल नहीं है। भाई बहुत ही कोई ऊंची शह है तुम्हारी मम्मी, ऐसी मगरूर औरत तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हें मामा से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमने देखा नहीं तुम्हारी अम्मी किस तरह से बात कर रही थी? अगर तुम उनसे पूछे बगैर मुझे लेने आ गए तो इसमें मेरा या मेरे घर वालों का क्या कसूर है? मुझे नहीं अच्छा लगता वो जिस तरह के अल्फाज मेरी अम्मी को लेके यूज करती हैं। देखो फरी, तुम्हारी मामा के बारे में थोड़ा बोला तो तुम्हें गुस्सा आ गया, और जो सुलूक तुम्हारे घर में मेरे साथ किया गया है तुम्हें उस पर जरा भी अफसोस नहीं है? फाद, हमारी शादी को सिर्फ एक दिन हुआ है और हम दोनों किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं जानती हूँ जो सुलूक मेरे घर वाले तुम्हारे साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तुम उस घर के दामाद हो और उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इस बात का एहसास है, मेरे लिए यही काफी है। देखो इस रिश्ते को मेरी मामा ने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है, पर मैं उनकी बेटी हूँ, आखिर वो कब तक मुझसे नाराज रहेंगी? कभी ना कभी तो एक्सेप्ट कर ही लेंगी। और फहद, अब हमें एक दूसरे को समझ के जिंदगी गुजारनी है। देखो मुझे भी उम्मीद है कि तुम भी मेरी मामा की छोटी छोटी बातों को दरगुजर करोगी। देखो मैंने आंटी के बारे में कभी भी कोई गलत बात नहीं की है, लेकिन तुम प्लीज उन्हें समझाओ कि वो मेरी मामा को लेके इस तरह से बात ना करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो परी, मैं बात करूंगा मामा से, तुम टेंशन मत लिया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बस खुश रहा करो।